दोस्तों, क्या आपके घुटने के पीछे के हिस्से में दर्द होता है? क्या कारण हो सकते हैं आपके घुटने के पीछे के हिस्से में दर्द होने के, और उसके क्या क्या इलाज हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटिया, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने के पीछे के हिस्से में दर्द काफी ज्यादा कॉमन एक प्रॉब्लम है। सामने की तरफ से दर्द से ज्यादा कॉमन लोगों के घुटने के पीछे के हिस्से में दर्द होता है। ऑलमोस्ट हर एडल्ट में हम देखते हैं कि उनको कभी ना कभी जिंदगी में घुटने के पीछे के हिस्से में, जांघों में या पिंडलियों में जरूर दर्द हुआ होगा। तो क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि घुटनों के आपके पीछे के हिस्से में दर्द होता है? तो दोस्तों, पहले कारण की अगर बात करें तो वो होता है पॉपलीटियल या बेकर सिस्ट। दोस्तों, घुटने के आसपास बहुत सारे बरसा होते हैं या एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जो अलाउ करते हैं कि घुटने के आसपास की मांसपेशियां आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर सके और रिलैक्स कर सके। ऐसे ही घुटने के पीछे की तरफ एक एरिया होता है, एक बरसा होता है जिसे हम पॉपलीटियल बरसा बोलते हैं। उसमें एक सिस्ट हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से उस एरिया के अंदर जलन हो जाती है, दर्द हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसे हम बेकर सिस्ट या पॉपलीटियल सिस्ट बोलते हैं। इसके इलाज की बात करें तो 100% नॉन सर्जिकल केस होता है। होलिस्टिकली इसको ट्रीट किया जा सकता है कुछ दवाइयों से, एक्सरसाइज से, मोडालिटीज से, या फिर एक छोटा सा इंजेक्शन देके उस सिस्ट को ड्रेन किया जा सकता है और उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन डाल सकते हैं। दोस्तों, दूसरे कारण की अगर बात करें तो होता है बाइसेप्स फीमोरिस का टेंडनाइटिस। बाइसेप्स फीमोरिस का मसल अगर देखें तो हमारे हैमस्ट्रिंग रीजन का एक मसल होता है और अक्सर घुटने के पीछे से जाके नीचे की तरफ अटैच होता है। वो जब अटैच होता है तो मसल जब हड्डी की तरफ अटैच होता है तो उसके बीच में एक टेंडन बनता है, जिस टेंडन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है या जलन हो सकती है। अगर इस टेंडन के अंदर, जिसे हम बाइसेप्स फीमोरिस टेंडन बोलते हैं, अगर जलन होगी और इन्फ्लेमेशन होगी तो आपको घुटने के पीछे की तरफ बहुत ज्यादा दर्द होएगा और आपको घुटना सीधा करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी क्योंकि वहां पे खिंचाव आपको महसूस होगा। इसके इलाज की बात करें तो इसके अंदर दवाइयों के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज, अल्ट्रासोनिक थेरेपी या लेजर थेरेपी इसके अंदर काफी अच्छा इलाज होता है। साथ में कपिंग से या ड्राई नीडलिंग से भी आप इसका इलाज कर सकते हैं और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शंस भी इसके अंदर संभव होते हैं। दोस्तों, तीसरे कारण की बात करें तो वो रेडिकुलर पेन होता है, यानी कमर से नीचे आ रहा दर्द होता है। हमारे कमर के अंदर कुछ डिस्क होती है जो कि पर्टिकुलरली ऊपरी लेवल पे या L1 L2 लेवल पे अगर वो डिस्क बाहर निकल जाए या स्लिप डिस्क हो जाए तो ऊपरी नर्व्स को या इन नसों को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा दर्द जो है वो रेडिएट हो सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है और घुटने के पीछे की तरफ महसूस हो सकता है। अगर वो रेडिकुलर पेन होगा तो उस दर्द के साथ साथ आपको झिनझिनाहट, जलन या सूनापन भी महसूस होगा, जो ये दर्शाएगा कि ये दर्द जो है वो नसों की वजह से आ रहा है। कुछ दवाइयों के साथ साथ एक्सरसाइज से, स्पाइनल इंजेक्शन से, कुछ मोडालिटीज से जैसे कि टेंस से या IFT से इस दर्द का इलाज संभव है। दोस्तों, चौथे कॉज की बात करें तो वो होता है काफ स्ट्रेन। हमारे टीबिया या शिन बोन के पीछे की तरफ कुछ मसल्स होते हैं जिसे हम काफ एरिया बोलते हैं या पिंडलिया बोलते हैं, जिनमें अगर खिंचाव आ जाए, जिनमें अगर स्ट्रेन आ जाए तो हम ये देखते हैं कि हमारे घुटने के पीछे के हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। बांटे या क्रैम्प्स में भी हम कई बार देखते हैं कि हमारे घुटने के पीछे के अंदर क्रैम्प्स आ रहे हैं, दर्द आ रहा है, जा रहा है और बहुत ज्यादा खिंचाव लग रहा है और घुटना सीधा करने में और मोड़ने में हमको तकलीफ हो रही है। तो काफ स्ट्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज एज वेल। वो उसका इलाज भी होलिस्टिकली संभव है, दवाइयों से, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से, UST, IFT, PEMF थेरेपी से इलाज उसका संभव है। कुछ केसेस के अंदर कपिंग और नीडलिंग भी की जा सकती है। पांचवा और आखिरी कारण की अगर बात करें तो वो होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का स्प्रेन हो जाना या टूट जाना या टियर हो जाना। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को अगर हम बात करें तो वो टीबिया यानी शिन बोन के पिछले हिस्से से फीमर यानी कि हमारे थाई बोन के सामने की तरफ जाता है। यदि उस PCL के अंदर इंजरी हो जाती है, जो कि पर्टिकुलरली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में होती है कि गाड़ी ने हमको या स्कूटर ने पीछे से अगर घुटने के पीछे से हिट कर दिया तो हमारे PCL के अंदर स्प्रेन हो सकता है या टियर भी हो सकता है, जिससे हमारे घुटने के पीछे के हिस्से में बहुत दर्द महसूस होएगा। यदि टियर कंप्लीट है तो उसके अंदर एक आर्थ्रोस्कोपिक रिमूवल की जरूरत पड़ती है, पर वो बहुत रेयर होता है। ज्यादातर केसेस के अंदर दवाइयों से,
पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन से और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से इसका इलाज संभव है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। घुटने के पीछे के हिस्से में दर्द बहुत कॉमन है और इसके कारण आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ऐसे और बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।